हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेप अप एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज एनालिसिस 14 दिसंबर है आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर मैं आपको देना चाहती हूं कि अगले दो दिन डिस्कशन अपलोड नहीं हो पाएगा तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट डे के न्यूज में कवर कर लेंगे ठीक है तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं एंड एक इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन है सेवनटीन दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है आपको लगातार ये बात बताई जा रही है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में न्यू बैच शुरू हो रहा है हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा मॉडर्न इंडिया आप समझ सकते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये प्रिलिम्स के लिए खास करके तो जो लोग नाइनटीन में एग्जाम देने वाले हैं और दे आर इवन प्लानिंग टू कम इन डेली तो वो हमें अप्रोच करें नंबर्स पर या फिर अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम तक नहीं आ पा रहे हैं और पर्सनल गाइडेंस में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं इन गिवन नंबर्स पर ठीक है तो डिस्कशन शुरू करते हैं और फर्स्ट न्यूज़ है हमारा सौभाग्य स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है सौभाग्य स्कीम और काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है दो साल हो चुके इस न्यूज इस, इस स्कीम को लॉन्च किए हुए तो नाइन स्टेट में कंप्लीट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया गया है इस वजह से ये स्कीम फिर से न्यूज़ में आया है तो स्कीम का पूरा उद्देश्य यही था इलेक्ट्रिफिकेशन पहुंचाना इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा को पहुंचाना गांव में और नौ राज्य जो कि मध्य प्रदेश त्रिपुरा बिहार जम्मू कश्मीर उत्तराखंड मिजोरम सिक्किम और तेलंगाना के साथ वेस्ट बंगाल है जिन्होंने की कंप्लीट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टारगेट था उनका उसको अचीव कर लिया है तो इसलिए काफ़ी गुड न्यूज़ है ये इस स्कीम की बात कर लेते हैं इसको प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी आप जान सकते हैं इसको सेप्टेम्बर टू में लॉन्च किया गया था तो काफ़ी टारगेट ही था कि 2019 तक इस टारगेट को अचीव कर लेना तो हालांकि अभी नौ राज्यों में अचीव कर लिया गया है बाकी जगह पर काम चल रहा है इसके लिए तो इसमें होता क्या है एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस दिए जाते हैं जितने भी हाउस होल्ड हैं उनको और वैसे हाउस होल्ड जो फैमिलीज से आते हैं उन सभी को फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करना रूरल एरियाज में ठीक है और जो पुअर फैमिलीज है अर्बन एरियाज में वहां पर भी जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उसको प्रोवाइड करना इसका मेन एम है तो इसके लिए जो नोडल एजेंसी है जिसको कि काम डेजिग्नेट किया गया था वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोपरेशन तो याद रखिएगा फैक्ट अगर आ जाए क्वेश्चंस में तो इस पर क्वेश्चन बना नहीं है अभी तक प्रेडेंस में अगर हो सकता है कि अभी जो भी स्कीम्स ऐसे चले थे सेवनटीन में सिक्सटीन में अगर उनके कंप्लीट होने का समय आ गया है 2019 में तो हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए आपसे ऐसा नहीं है कि जब स्कीम लॉन्च होती है तभी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी स्कीम्स वगैरह न्यूज़ में आती हैं तो क्वेश्चन में आ जाता है तो याद रखिएगा इसको द स्कीम एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड एक्टिफिकेशन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री जितने भी ओवरऑल इंडिया है वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रोवाइड कराना इसका मेन एम था और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी हमें ध्यान में रखना है द प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरी हाउस होल्ड फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अंडर दिस स्कीम इज़ आइडेंटिफाइड बाई द एस ई सी सी डाटा जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर्स डाटा आया था दो हज़ार ग्यारह में उसी के बेसिस पे ये बेनिफिशरीज़ का चुनाव किया जाता है और जहाँ पे अनलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड्स हैं दे ऐसे अनिलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड जो कि ऐसी सी सी डाटा में कवर नहीं होते हैं उनको भी ये कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है लेकिन उनसे पेमेंट लिया जा रहा है फाइव हंड्रेड रुपीज़ का उनको फ्री नहीं दिया जा रहा है ठीक है तो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा काफ़ी अच्छा स्कीम है ये दूसरा न्यूज़ है नेशनल रजिस्टर फॉर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी काफ़ी न्यूज़ में रहता है एनआरसी तो आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है तो पूरा मुद्दा असम का है वहां पर काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच रही है इस नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स के वजह से जैसे आप देख सकते हैं इसमें रजिस्टर वर्ड है मतलब कौन से ऐसे सिटीजन्स हैं जो कि आसाम के सिटीजन हैं और आ, वो रिफ़्यूजी के तौर पे नहीं रह रहे हैं ये पता अब इस रजिस्टर से ही चल पाएगा तो इस पर डेली कुछ ना कुछ वर्डिक्स आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के या गवर्नमेंट कुछ, कुछ ना कुछ प्लान कर रही है क्योंकि जो लोग अभी अचानक से उनको ये पता चला है कि वो इनका नाम इस रजिस्टर में नहीं है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और इसमें करीब फोर्टी लाख पीपल हैं जो कि इस रजिस्टर से बाहर हैं उनका नाम ही नहीं है इस लिस्ट में तो इस वजह से उनके लिए भी गवर्नमेंट को सोच रही है कि उनको किस तरीके से फिर से रिहेबिलेट किया जाए या उनके लिए और अदर ऑप्शन क्या हो सकते हैं सो द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इज अ लिस्ट दैट कंटेन नेम ऑफ इंडियन सिटीजन ऑफ आसाम आसाम के जो सिटीजन है उनका नाम इसमें लिखा होता है और द आसाम गवर्नमेंट ऑन द जुलाई थर्टी टू थाउजेंड एटीन रिलीज द सेकेंड एंड फाइनल ड्राफ्ट तो अभी जुलाई में फाइनल ड्राफ्ट इसका एनआरसी का, का रिलीज़ हुआ था तो काफी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इसको एनआरसी क्या है किस चीज से संबंधित है नेक्स्ट न्यूज है फाउंड ऑन एस्ट्रॉयड बेनू आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी लास्ट डे तो वो इसी से था जो ऑसरिस रेक्स है नासा का स्पेस क्राफ्ट है इसको एस्ट्रॉइड बेनू पर भेजा गया था वहां के बारे में पता लगाने के लिए ठीक है तो बेनू एक एस्ट्रॉयड है पहली बात याद रखिएगा क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है और ऑसरिस रेक्स जो है उसको बेनू के लिए ही भेजा गया था ठीक है तो इस मिशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑरिजिन स्पेक्ट्रल इंट्री इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन ये सारा इसका काम होगा ये थर्ड मिशन है नासा का जिसको कि लॉन्च किया गया है आ, आउटर स्पेस को जानने के लिए कुछ खास बात कि क्यों बेनू को ही चुना गया इस पूरे इवेंट के लिए तो ये जो बेनू एस्ट्रॉयड है ये बहुत सिमिलर है अर्थ से ठीक है इसका जो साइज़ है वो काफ़ी सिमिलर है अर्थ uh, से एंड इन ऑर्डर टू ऑसर रिस्पेक्ट टू रीच द इस डेस्टिनेशन इज़ अ रीजनेबल टाइम फ्रेम तो रीजनेबल टाइम फ्रेम पर ये वहाँ पहुँच सकता था और ऐसा माना जाता है कि जो बेनू एस्ट्रॉयड है उसमें काफ़ी कार्बन रिच उसकी कैपेसिटी है उसका जो कंपोजिशन है वो कार्बन रिच है और वहाँ से हमें काफ़ी कुछ पता लग सकता है सोलर सिस्टम के बिगनिंग के बारे में इस वजह से बेनू को ही चुना गया इस पूरे प्रोग्राम के लिए ठीक है अगला न्यूज़ है हेल्प अस ग्रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है इंडियन प्राइवेट प्रोजेक्ट है हेल्प अस ग्रीन याद रखिएगा एंड द अदर प्रोजेक्ट फोर्टीन प्रोजेक्ट्स विच वोन द यू एन मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट एक्शन तो यूनाइटेड नेशंस का एक अवार्ड है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट एक्शन अवार्ड है the, जो कि इस बार हेल्प अस ग्रीन प्रोजेक्ट को दिया गया ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था और इसके पहले और फोर्टीन प्रोजेक्ट्स को दिए जा चुके हैं जिन्होंने कि बहुत अच्छा काम किया है एनवायरनमेंट को क्लाइमेट चेंज को बचाने में ठीक है और अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें हेल्पर्स ग्रीन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हैल्पर्स ग्रीन न्यूज में था ये क्या है तो दिस प्रोजेक्ट कलेक्ट फ्लावर्स फ्रॉम द टेंपल एंड मॉस्क्यू अक्रॉस द मेनी सिटीज एंड टाउन इन उत्तर प्रदेश एंड रिसाइकल देम टू प्रोड्यूस नेचुरल इंसेंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बायोडिग्रेबल बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट कितना अच्छा काम था ये कि आप मंदिर में जाते हैं या मौसि में जाते हो आप देखते हैं कि बहुत सारे फ्लास का वहाँ इस्तेमाल किया जाता है और वो एक दो दिन के बाद ही वो गल जाते हैं सड़ जाते हैं और उसका कुछ और यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो इस प्रोग्राम में इन लोगों ने यही किया था कि उसको रिसाइकल करके और इसका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और जो भी बेहतर यूज़ हो सकता है वो इन लोगों ने किया था और उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ था जो आप देख सकते हैं कि वुमेन 1260 के करीबन वुमेन थी जिन जो इनमें एम्प्लॉयड थी यूपी में इट सेल्फ अगर इसको पूरे भारत में चला दिया जाए इतनी सारे मंदिर हैं मस्जिद हैं वहाँ पर अगर हम इसको लॉन्च करते हैं बिग लेवल पर तो हमें कितना हेल्प और हो सकता है एंड डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन टू द मोन्यूमेंटल टेम्पल वेस्ट प्रॉब्लम बहुत अच्छी बात है यह जो मोन्यूमेंटल टेम्पल वेस्ट आते हैं उसको किस तरीके से हम रिसाइकल कर सकते हैं उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करता है ये हेल्पर्स ग्रीन प्रोजेक्ट और इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन डेट इज कॉल्ड एन मोमेंटम अवार्ड याद रखेगा नेक्स्ट न्यूज है फेम इंडिया स्कीम को लेकर के फेम इंडिया स्कीम भी काफी इंपॉर्टेंट था काफी न्यूज में था तो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में इस स्कीम को लाया गया था ठीक है इसको डिपार्टमेंट ऑफ हैवी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया गेम इंडिया स्कीम को इसका फेज वन लॉन्च किया गया था 2015 में 2015 में इसको 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था एंड द स्कीम वाज इनिशियली अप टू 31st अप्रैल 2017 हैज बीन एक्सटेंडेड ऑफ ए 2019 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया देखिए 2019 में बहुत सारे ऐसे स्कीम है जिसका की कंप्लीशन का टाइम है ठीक है तो उन स्कीम्स पर खास करके आपको ध्यान देना है इसका जो फेज़ टू है फेम इंडिया स्कीम का में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे और पुश किया जा सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इन सभी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया था और जो ऑटोमेटिक uh, रूट है ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसको हंड्रेड परसेंट कर दिया गया एफ का ठीक है तो इंपॉर्टेंट है ये भी न्यूज़ फेम इंडिया स्कीम पर याद रखिएगा अगला न्यूज़ है रशिया में वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फ्लोटिंग अभी आप सोलर प्लांट के बारे में तो सुन रहे थे बट ये न्यूक्लियर प्लांट है फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट है जो कि रशिया में स्टैब्लिश किया जा रहा है लोमोनोसोव एक जगह है वहाँ पर वहीं पर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा तो एक फैक्ट है पीटी फैक्ट है इसको याद रखना है आपको और कल के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है बेनू है इसका आंसर ओसरिस इस मिशन का उसको वहीं पर भेजा गया और अभी हमने सर न्यूज़ में देखा कि वाटर के कुछ स्ट्रेस देखे जा रहे हैं पाए जा रहे हैं तो काफ़ी संभावना है आगे चल रही बहुत सारी बातें हमें इससे पता चलेंगी ठीक है तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ था थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग जो डिस्कशन है वो मंडे को कंटिन्यू करेंगे जो भी दो दिन के इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे वो हम लोग उस दिन कंटिन्यू कर लेंगे ठीक है सो थैंक यू वेरी मच थैंक्स लॉट कीप स्टडिंग